नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। जम्मू कश्मीर की जनता ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का बहिष्कार कर दिया है। जी हाँ, जिस तरह से आप देख रहे थे कि डीडीसी चुनाव में एक बीजेपी नेता को गोली मारी गई थी और आए दिन रोजाना पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन आज उस आंकड़े को देखें और आज के आंकड़े को देखें तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब पत्थरबाजी भी कम हो चुकी है और पत्थरबाज भी कम हो चुके हैं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का राज जा चुका है। आज खुद कश्मीर की जनता ये बात कहती नजर आई है। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह से कश्मीर की जनता महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के मुँह पर जूता मार रही है। बता दूं, आपने देखा होगा कि जब से कश्मीर में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप बंद हो गया है, पत्थरबाजी, आगजनी या प्रदर्शनों का सिलसिला थम चुका है। ये लोग नेता लोगों को भड़काने का बहुत प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु लोग समझ चुके हैं कि उन्हें क्या चाहिए। आज की ये खबर और जम्मू कश्मीर की जनता आज ये कह रही है कि महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला ने सिर्फ अपनों को बढ़ाया है, अपने रिश्तेदारों को बढ़ाया है और आम जनमानस के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आज समझ में आ चुका है कश्मीर की जनता के कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती गद्दार हैं। ये ना तो कश्मीर की हैं और ना ही ये देश हित की हैं, ये हैं पाकिस्तान और चीन के। कश्मीर के लोगों को अब ये बात समझ आ चुकी है कि अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों ने उन्हें एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। वह उनके भी हितैषी नहीं थे। सत्ता में रहकर उन्होंने अपना और अपने करीबियों का घर भरा, जबकि कश्मीर की जनता को मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा। कश्मीर के लोग आज जो वोट डालने के लिए सर्दी आतंकवादियों व अलगावादियों की धमकी की परवाह न करते हुए मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं, वे कश्मीर को फिर जन्नत के रूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक चुनाव में दादागिरी चलती थी इन नेताओं की, लेकिन जब से बीजेपी ने वहां पे मोर्चा संभाला है, जब से आर्टिकल 370 को और आतंकवाद को ख़त्म किया है, तब से आज घर से निकलकर लोग चुनाव में पहुंच रहे हैं। नहीं तो लोग चुनाव में पहुंच नहीं पाते थे। जहां तक आप देखते थे, पहले 30-35% वोटिंग हुआ करती थी, आज इस बार DDC चुनाव में 50% से अधिक कह सकते हैं लोग वोट डालने पहुंच चुके थे। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की कार्रवाई है, ऐसा नरेंद्र मोदी ने किया है कि आज लोग घर से स्वतंत्र रूप से निकलकर वोट डाल रहे हैं। बता दूं, ये कड़वे बोल किसी विपक्षी दल नेता के नहीं बल्कि कश्मीर के लोगों के हैं, जिन्हें अब कश्मीर का हितैषी कहने वाले नेताओं की बातें समझ आ चुकी हैं। जिला गांदरबल के सरे पथरी इलाके में मतदान केंद्र में ठिठुरन भरी सर्दी में सुबह 7:30 बजे मतदान के लिए कतार में खड़े होकर मतदान करने के लिए इंतज़ार कर रहे इरफान मजीद ने कहा कि आप जो ये लंबी लाइन देख रहे हो, ये किसी राजनीतिक दल के नेता द्वारा लाए गए लोगों की नहीं है। लोग खुद सर्दी की परवाह न करते हुए वोट डालने के लिए आए हैं। अब हमें भी बेहतर सुविधाएं चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहतर स्कूलों में जाएं, अच्छा पढ़ें और समाज का नाम रोशन करें। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आज ये बात के लिए साबित कर देगी कि किस तरह से लोग अभी भी इस ठंड में वोट डालने पहुंच रहे हैं और वहीं पर नरेंद्र मोदी के नारे भी लगा रहे हैं। जो लोग कश्मीर की हक की बात करते हैं, उनके बच्चे जो देश विदेश में बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनके बच्चे बेरोजगारी, नशे में पढ़कर हथियार पकड़ रहे हैं, आतंकवाद की गलत राह पर चल रहे हैं, या तो अच्छा है कि सेना ने उनके बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए कई मुहिम छेड़ी जो काफ़ी हद तक सफल भी हुई। कुछ दिन पहले आपने भी देखा था कि अमित शाह ने कहा था कि हम शिविर चलाएंगे, जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में कॉपी पेन होना चाहिए उनके हाथ में गोला बारूद बंदूकें पकड़ा दी जाती हैं। अब ऐसा नहीं होगा, कश्मीर में शिविर चलेगा। तो सबसे पहले विरोध इन्हीं PDP नेताओं ने और कश्मीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विरोध किया था। वो कह रहे थे हम शिविर नहीं चलने देंगे। तो सोचिए आज कितना असर पड़ रहा है इस सरकार का। अगर केंद्र सरकार चाहती तो हथियार व पत्थर उठाने वाले सभी युवाओं को गोली भी मार सकती थी, लेकिन सरकार ने गोली नहीं मारी, बल्कि उन्हें समझाया, उन्हें देश का संविधान बताया, उन्हें देश का पाठ पढ़ाया, तब जाकर के आज कश्मीर के लोग
जो कभी अलगावादी आतंकवादी का साथ दे रहे थे, लेकिन आज 50%, हम 100% तो नहीं कह सकते क्योंकि 100% किसी भी राज्य में ऐसे लोग नहीं हैं जो देश हित की बात करें, इसीलिए 100% तो नहीं लेकिन 50% लोग आज सरकार के साथ हैं और चुनाव में पहुंचकर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। वहीं गुलाम रसूल ने कहा कि आपने देखा होगा कि जब से कश्मीर में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप बंद हो गया है, पत्थरबाजी, आगजनी या प्रदर्शनों का सिलसिला थम चुका है। ये नेता लोगों को भड़काने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, परंतु लोग समझ चुके हैं कि उन्हें क्या चाहिए। अब हमें इन धोखेबाज स्वार्थी नेताओं का साथ नहीं बल्कि कश्मीर का विकास चाहिए। इसी आशा के साथ कश्मीर की जनता जिला विकास परिषद और पंचायत उपचुनाव में भाग ले रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसा सपना केंद्र सरकार ने कश्मीर के लोगों को दिखाया है वह जल्द ही पूरा होगा। कश्मीर फिर से जन्नत बनेगा। यहाँ गोली की गूंज नहीं, कश्मीरी सूफी गाने गूंजेंगे। कश्मीर फिर से पर्यटकों का गुलजार होगा, क्योंकि लोग ऋषिकेश तक चले जाते हैं लेकिन श्रीनगर नहीं जाते हैं। ऋषिकेश घूम लेते हैं लेकिन नीलकंठ घूम लेते हैं, लेकिन वो श्रीनगर नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आतंकी खतरा ज़्यादा है। कब पत्थरबाजी होने लगे ये किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे सुख सुविधाएं और आतंकवाद को मुक्त करने के लिए कितने अभियान चलाए, कितनी हमारी फोर्स वहाँ पर तैनात हो चुकी हैं कि आज महबूबा मुफ्ती का सिक्का नहीं उछल रहा है, फारूक अब्दुल्ला देशद्रोहियों का सिक्का नहीं उछल रहा, जिससे कि साफ स्पष्ट है कि अब भगवा लहराना तय है। कश्मीर में भी इन अलगावादी नेताओं, पीडीपी नेताओं को मिटाना ही होगा। अगर कश्मीर को जन्नत बनाना है तो अलगावादियों को मिटाना होगा। इसके पहले भी हम कई दिन से ये बात करते चले आ रहे हैं कि कश्मीर में फिर से भगवा लहराएगा, कश्मीर में इन अलगावादी नेताओं का और पीडीपी नेताओं का सुपड़ा साफ होगा। हम बहुत दिन से कहते चले आए और आज वो साबित भी हो रहा है। ये जो खबर हमें मिली है ये कश्मीर की खबर है, और कश्मीर की खबर ये बात को दर्शाती है कि वहाँ पर अब लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बीजेपी को, क्योंकि उनके घर में अब सुख की रोशनी जा रही है। जिस बात का डर हुआ करता था हमेशा कश्मीरियों को, अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो भी आज़ाद हो चुके हैं। क्योंकि जब से कश्मीर आज़ाद हुआ है तब से वहाँ पे रह रहे देशभक्त भी आज़ाद हो चुके हैं, और उनकी आज़ादी आज देखने को हमको मिली है। क्योंकि लोग जिस तरह से लगातार पहुँच रहे हैं चुनाव में, लगातार वो सरकार के पक्ष में वोट डाल रहे हैं, जिससे कि स्पष्ट है कि इस चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। क्योंकि आपने देखा था डीडी से चुनाव में किस तरह से पीडीपी नेताओं ने, अलगावादियों ने, आतंकवादियों ने मिलकर बीजेपी नेता को गोली मारी थी, यानी कि डीडीसी प्रत्याशी को गोली मारी थी। उसके बाद से लहर ऐसी उमड़ी कि लोग डर गए, और अब वो लोग बीजेपी को लाना फिर से पसंद कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स अपनी राय लिखिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो देश दुनिया जानेगी कि हाँ सचमुच क्या हो रहा है कश्मीर में, कश्मीर में किस तरह से लोग भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। जब से आर्टिकल 370 खत्म हुआ है तब से रोजी रोटी छिन गई कुछ लोग की, तो कुछ लोग की रोजी रोटी मिल गई है। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय लिखिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।